हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने कस्टर्ड केक लेके आई हूँ। आप लोगों को इंग्रेडिएंट बताती हूँ कौन कौन से कितने लेने हैं। ये मैंने ले ली है मैदा, इधर ले लिया मिल्क पाउडर, ये शुगर पाउडर है एक कटोरी, ये हाफ कटोरी है, ये हाफ कटोरी कुछ थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। ये है बटर, इधर ले लिया है कस्टर्ड पाउडर, इसका फ्लेवर वेनिला है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हो। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो देखिए कॉर्नफ्लावर भी आता है, उससे भी आप बना सकते हैं, और एसेंस डाल सकते हैं वेनिला फ्लेवर का, एसेंस चॉकलेट का भी डाल सकते हैं, वेनिला वेनिला फ्लेवर भी, बहुत सारे फ्लेवर साथ में हैं, आप ले सकते हैं। इधर एक कप ले लिया मैंने दूध, इधर ले लिया है मैंने स्ट्रेनर, और एक बाउल ले लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने शुगर ली थी, शुगर पाउडर लिया था, इसको हम छान लेंगे। इधर हमने ये शुगर पाउडर छान लिया है, इधर इसमें हम क्या करेंगे, ये मिल्क पाउडर का, ये भी हम इसमें छान लेंगे। इधर ले लिया ये कस्टर्ड पाउडर, ये भी इसमें छान लेंगे। इधर ले लिया दूध की मैंने मलाई क्रीम, ये ज्यादा दिन की रखी ना हो, ताजी मलाई है, इसको मैंने फेंट लिया था। फेंटने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट जितने छाने थे ना, ये सारे इसमें मिला देना है, इसमें मलाई मिला देना है। इसको हम क्या करेंगे, विस्कर से विस्क कर लेंगे ऐसे धीरे धीरे। इधर हमने विस्कर से विस्क कर लिया इसको, ये जब मिल जाए अच्छे से, अभी और हम मिलाएंगे इसको। इसमें हम लोग डालेंगे 1 चम्मच बटर, क्योंकि दूध की मलाई डाली है, अगर हम दूध की मलाई नहीं डालेंगे तो हम लोग 2 से 2 चम्मच बटर ले सकते हैं, लेकिन हमने इधर दूध की मलाई डाली इसलिए 1 चम्मच बटर नहीं। देखिए अच्छे से ही मैश हो गया। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, मैदा। मैदा जब मिलाएंगे हम लोग थोड़ी थोड़ी करके, मतलब ये हमने एक कटोरी में मैदा ली थी, सारी नहीं डालनी है, ठीक है, क्योंकि मैदा मैदा हम लोगों ने छानी नहीं थी। तो हम लोग क्या करें, स्ट्रेनर में मैदा को डाल के उसको धीरे धीरे छान लेंगे। इसको धीरे धीरे मिलाइए, इसको धीरे धीरे मिलाते जाइए, और जैसे ये गाढ़ा होता जाए तो थोड़ा थोड़ा आप दूध लेते जाइए, दूध डालते जाइए इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे दूध, ये सारी चीजें रूम टेम्परेचर वाली ही लेनी है, कोई भी फ्रिज का रखा ठंडा दूध ठंडा बटर नहीं लेना है, इससे क्या है आपका केक फ्लफी नहीं बनेगा। हमने ये 2 चम्मच ये ली थी मैदा, कटोरी भर के हमने आपको मैदा दिखाई थी, ये देखिए हमने 2 चम्मच ली है भर के, ज्यादा मैदा नहीं डालनी, हिसाब से डालनी है, मतलब धीरे धीरे डालनी, मिलाते जाना है डालते जाना है, नहीं तो फिर ये ज्यादा सा बैटर गाढ़ा हो जाएगा, इसमें पड़ जाएंगी गुठलियां, लम्स नहीं पड़ने हैं, धीरे धीरे मिलाना है इसको। ये देखिए इधर हमारा 1 कप हमने दूध लिया था, उसमें इतना दूध बचा है, और मैदा भी हमारी खत्म हो गई, थोड़ी सी हमने डस्टिंग के लिए बचाई है, जो हम लोग ये जो टूटी फूटी हमें डेकोरेट के लिए लेनी है, इसमें मिला के ये थोड़ी सी मैदा मिला के डस्ट कर लेंगे। इसको ऐसे मिला लेना, ठीक है, मिलाने के बाद इसको रख देना एक तरफ एक साइड। इधर ही हमारा बैटर तैयार है, इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अभी हमने नहीं मिलाया है, हम लोग मिलाएंगे जब इसको बेक करने जाएंगे। आज मैं आप लोगों को कुकर में और माइक्रोवेव में दोनों में ही एक केक बेक करने दिखाऊंगी, कैसे करते हैं कैसे नहीं। अगर आप लोगों के पास माइक्रोवेव हो तो उसमें भी बन सकती है, और आप इसको गैस पे भी बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं गैस पे भी बताऊंगी आप लोगों को। तो मैंने देखिए इसके लिए मोल्ड तैयार कर लिया, आप कोई सा भी बर्तन, भगोना, कटोरी, कटोरा, जो भी आपके पास हो, अल्मोनियम स्टील किसी का भी ले लीजिए, उसको ग्रीस कर लीजिए बटर से या ऑयल से, और बटर पेपर लगा लिया मैंने इसमें अच्छे से, इस तरह से लगा लेंगे। और मैं माइक्रोवेव में जो बनाने जा रही हूँ, तो मैं इसमें ये मोल्ड है मेरे पास सिलिकॉन के, इसमें बनाऊंगी ताकि जल्दी बन जाए। और बच्चों ने फरमाइश की है कि मम्मी मेरी इसमें बनाइए, अलग अलग फ्लावर हैं, अलग अलग डिजाइन है,
तो जैसे बच्चों ने कहा है तो उनकी फरमाइश पर मैं इसमें बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। इधर हमने लोगों ने ले लिया ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर लिया हमने लेबल करके। ये ले लिया बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर हमने लिया था थोड़ी इससे बड़ी चम्मच है, और ये 1/4 है, एक एक चम्मच है ये भर के, 1 टीस्पून है ये, और ये 1/4 है। इधर लिया था बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। इसमें हम लोग थोड़ा सा दही डालेंगे। ये देखिए दही डालते ही इसमें फॉर्मेट होने लगेगा, ये बुलबुले से आने लगेंगे, इसमें झाग से आने लगे हैं। इससे क्या है खट्टेपन से हमारी जो केक होगी अच्छे से फूलेगी। ये जो हमने टूटी फूटी मैदा में डस्ट करके मिलाई थी, इसमें मैदा मिला के रखी थी, ये हमने डाल दी। ये भी इसको मिला लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा जो बैटर है कितना फ्लफी हो गया एंड रमी है, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना इस तरह का। अब इसको हम क्या करेंगे मोल्ड में सर्व कर लेंगे, डाल देंगे इसमें। तैयार हमारा कुकर भी हमारा तैयार है, हमने गर्म कर लिया है। इसमें हमने एक कटोरी रख ली है कुकर में, और इसमें लगा के ढक्कन सीटी और लीड निकाल दिया हमने। इसको हम लोग क्या कर लेंगे टैप टैप कर लेंगे। टैप टैप करने के बाद दो बार इसमें रख देंगे कुकर में। इधर हम केक को डेकोरेट कर देंगे, ऊपर से थोड़ी सी टूटी फूटी डाल देंगे ताकि बनने के बाद अच्छी लगे। इसको हम मोल्ड में कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा भरेंगे, पूरा नहीं भरेंगे क्योंकि ये फूलेगा ना अभी। इधर मैंने माइक्रोवेव प्रीहीट कर लिया है, अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। इसमें देखिए मोल्ड हम लोग माइक्रोवेव में रख देंगे। इधर ये माइक्रोवेव वाली केक बनके तैयार है, ये देखिए इसको। अब इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे, ये थोड़ा ठंडा हो रहा था इसलिए हमको टाइम लगा। इसको भी ये देखिए कितना फ्लफी बनी है। इन लोगों को बच्चों को मेरे सब्र नहीं हो रहा है, मम्मी प्लीज निकालिए हमको खाना है, तो मैंने इसको रिमोल्ड कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं ये देखिए इतना सॉफ्ट बना है, इसका मतलब सॉफ्टनेस आप लोग देख सकते हैं। इसको आप कैसे भी गार्निश कर सकते हैं, चॉकलेट से, व्हाइट चॉकलेट से। वैसे तो इसमें फ्लेवर पड़ा हुआ है, टूटी फूटी हम लोगों ने ऐड की है तो जरूरत नहीं है, बच्चों के लिए बता रहे हैं। अगर आप लोग इसमें चॉकलेट से गार्निश करना चाहें या व्हाइट चॉकलेट से, जैसे भी आप लोग खा सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को जो मैंने कुकर में बेक की थी वो भी दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे बच्चों ने खाना शुरू कर दिया है, बताना बेटा कैसी लगी है। अच्छी है। ये देखिए दोस्तों हमारा गैस पे जो उन्होंने बेक किया था वो भी बनके तैयार है। ये देखिए अच्छे से कलर आ गया है इसमें, अब इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे, ठंडा हो चुका है। ये देखिए हम लोगों का केक बनके तैयार है, डीमोल्ड हो चुका है, और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। मैं आपको इसमें कट करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों कितना सॉफ्ट बना है। आप लोग बना के जरूर देखिएगा, और चैनल पे मेरे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज। मुझे आप लोगों के लाइक और सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। आप लोग जो मेरा साथ दे रहे हैं मुझे बहुत खुशी है, आप लोगों ने इतना साथ दिया है। आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।